आज शुरू कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट। जिसमें टॉपिक है सिन एडिशन। सिन एडिशन, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाएंगे, ठीक है। ये क्या है? इथेन। इथेन। इसको इथेन बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे? H2 और कोई भी कैटलिस्ट, प्लैटिनम दे दिया, चलेगा? ओके। ये क्या होगा? ये बन जाएगा H2 के साथ आते ही सिंगल बॉन्ड। बट H के अब तीन हाथ है, तो यानी कि इसका H दोनों जुड़ेगा हाइड्रोजन के, H जुड़ेंगे और मान लो इसी डायरेक्शन में जाके जुड़ गए, तो डायरेक्शन इज सेम, है ना? एच का जुड़ने का तरीका और डायरेक्शन इज सेम, तो इसको बोलेंगे सिन एडिशन। समझ आया? होता क्या है कि ये जो कैटलिस्ट वगैरह होते हैं दे आर सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर मान लो ऐसा है, ठीक है। और सॉलिड में क्या होते हैं? इसमें फ्री वैलेंसीज होती है। क्या होते हैं? फ्री वैलेंसीज होती है। ये फ्री वैलेंसी होने के कारण हाइड्रोजन जो होता है इस फ्री वैलेंसी में जाके चिपक जाता है, और हाइड्रोजन जब एक साइड की तरफ से चिपका है तो ये कैटलिस्ट लेके जाके इसको ऐसे चिपका दिया। समझ आया? तो जब ये कैटलिस्ट ऐसे लेके जाके इसको ऐसे चिपका दिया है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चिपके हैं, तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्लियर है? तो सिन एडिशन का मतलब क्या हो गया? सेम साइड में एडिशन होना। क्लियर है? पक्का? इतना नोट करो, आगे बताते हैं। अच्छा, इसको मिटाए बिना करते हैं, तब तो लोगों को ज्यादा समझ आएगा। मान लो ये बेंजीन एक रिंग है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ CH3 एंड CH3 लगा हुआ है, राइट। एक ही तरफ CH3 लगा हुआ है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे, क्योंकि एक ही साइड में लगा हुआ है, सिस एल्कीन। एल्कीन है ना ये डबल बॉन्ड, तो सिस एल्कीन वाला एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक साइड में CH3 लगा हुआ है। अब मान लो इसमें मैंने हाइड्रोजिनेशन करवाया, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन को चिपकना है और हाइड्रोजन जाके एक ही साइड में चिपकेगा, तब हमारा सिस एडिशन होगा, है ना? तो हाइड्रोजन सोचो कैसे चिपकेगा इसमें? हाइड्रोजन कैसे चिपकेगा? ये जो डैश में दिखाते हैं ना, ये बैक साइड का तरफ है ना? 3D स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, तो डैश में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पीछे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पे और ऐसे हाइड्रोजन चिपक सकता है ना? या फिर एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, और यहां पे भी H
और CH3 पीछे है, है ना? तो या फिर पीछे से हाइड्रोजन जा के लग सकता है या हाइड्रोजन ऊपर से लग सकता है। दो ही तरीके हैं यहां पे हाइड्रोजन लगने का अगर सिस एडिशन मुझे कराना है, ठीक है? तो ये जो दोनों कंपाउंड है अगर तुम देखोगी ध्यान से, दिस इज अ काइरल कार्बन, यहां पे ये काइरल कार्बन है। काइरल कार्बन का मतलब क्या होता है? जहां से रोटेट कर सके हम किसी चीज को, इसको सेंटर बना के, इसको समझो ये सेंटर है और इसको सेंटर बना के ये दोनों हाथ को रोटेट हम कर सके, ठीक है? तो काइरल कार्बन यहाँ पे बना के एक बार हम इसको नीचे लेके जा सकते हैं, एक बार इसको हम ऊपर लेके आ सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जो दोनों फिगर है दे आर आइडेंटिकल्स, है ना? ये आइडेंटिकल्स है कि नहीं है? क्योंकि काइरल कार्बन की वजह से रोटेट हो जा रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है? तो दे आर आइडेंटिकल। तो इसमें क्या है कि इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं मीसो कंपाउंड। ये तुम लोग पढ़ोगे आइसोमेरिज्म में, ठीक है? इस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे मीसो कंपाउंड, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब होता है अगर मान लो यहां से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, या यहां से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा वो नीचे वाला स्ट्रक्चर रहेगा? मतलब आइडेंटिकल अगर हो रहा है तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, अगर नहीं हो रहा है तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि अगर हम यहां से मारेंगे तो अगर सिमेट्री बनाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें यहां पर नहीं मिल रहा है, तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड मीसो कंपाउंड्स। क्लियर है? ठीक है, नोट कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं सिन एडिशन में ही। सिन एडिशन में एक रूल होता है, मतलब जो बुक में नहीं कहीं लिखा है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या रूल होता है कि जहां तुमको जगह मिले वही हाइड्रोजन को ऐड कर दो। ऐसा लिखा नहीं रहेगा बुक में बट यू हैव टू डू, ठीक है? तो क्या लिखोगे रूल में? वेयर द प्लेस इज प्रेजेंट एड हाइड्रोजन। कैसे करेंगे देख लो विथ एग्जाम्पल, ठीक है? एक हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। अनसिमेट्रिकल मतलब जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ये फिनाइल है, सिमेट्री है। देखो यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH2 C2H5 और यहां पे फिनाइल, कोई सिमेट्री नहीं है। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर है? अच्छा इसको तो हाइड्रोजनेशन करना है तो सिंगल बॉन्ड नहीं दे सकते, ठीक है? हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं इसको, प्लैटिनियम या निकल और क्या था, पीडी, ठीक है? चलो तो हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तो पक्का हो जाएगा। चलो कर लो सिंगल बॉन्ड, और स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। ये वाला जो पीएच है ना, इसको मैंने खींचा 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 और यहां लाया, समझ आ रहा है? तो ये ऊपर आ गया, क्लियर? ये C2H5 को मैंने खींचा 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 और यहां लाया, कर सकती हूं ना मैं, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको मैंने खींच के थोड़ा सीधा किया और इसको भी मैंने खींच के थोड़ा सीधा किया, ठीक है? अब मुझे रूल में कहा गया है वेयर द प्लेस इज प्रेजेंट एट H2। प्लीज देखो
पे खाली है? प्लीज देखो कहाँ पे खाली है, लेफ्ट साइड में खाली है, एड एच टू। क्लियर, समझ आया? ठीक है, अब देखो एक और स्ट्रक्चर बन सकता था इसका। स्ट्रक्चर क्या बन सकता था? और एक ये काइरल कार्बन है ना, रोटेट होता रहेगा, तो यहां पे फिनाइल, यहां पे C2H5, यहां पे CH3, यहां पे CH3, और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता था, है ना, काइरल कार्बन है, रोटेशन हो रहा है, CH3 घूम के आके यहां पर बैठ गया, हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक सिमेट्री लगा के, ठीक है लगाओ, और देखो कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर मैं इस स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, ये वाला स्ट्रक्चर को उठा के ऐसे रखा, समझ आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? ये वाला स्ट्रक्चर को उठाया और ऐसे रखा, तो क्या वो सेम आ रहा है? पक्का? तो इट इज ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो इस तरह के कंपाउंड्स को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है? इसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। और एक फॉर्म होता है डी और एल, बचपन से पढ़ते आए होंगे फॉर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। एक एल फॉर्म होता है, एक डी फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रो और सर्च करो यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दिस इज अ डी फॉर्म स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ एल फॉर्म स्ट्रक्चर। कल मेरे को बताओगे नेक्स्ट डे, बताओगे नेक्स्ट डे कि व्हाट इज डी फॉर्म एंड व्हाट इज एल फॉर्म, बताओगे ना? क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर और ऑप्टिकली एक्टिव, समझ आया? ठीक है, और इसको और एक चीज बोलते हैं, एन आइसोमर्स, एन एनशियोमर्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर तुमको मिला तो वो एनशियोमर कहलाएगा, बस। ठीक है, तो यहां पर रूल भी एक लिख सकते हो कि एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑन एडिशन रिएक्शन गिव एन शियोमर्स। ठीक है, तो क्या समझ आया यहां तक कि अगर मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेती हूं, उसका हाइड्रोजिनेशन करती हूं, तो दो तरह के स्ट्रक्चर मुझे मिलना पॉसिबल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हम उसको एनएनशियोमर बोलेंगे और रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। इतना क्लियर? ठीक है, अब कभी भी तुमको अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिला तो उसका एनएनशियोमर मिलना पक्का है। अगर नहीं मिल रहा है मतलब यू आर डूइंग एनी फॉल्ट, समझ आया? इतना नोट करो, रूल में लिख लो कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो एनआइशोमर
या फिर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? मीसो कंपाउंड, मीसो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, मीसो कंपाउंड बनेगा। ये अपना सुविधा के लिए नोट करके रख लो। ओके, एक और एग्जांपल कराते हैं ताकि और चीजें क्लियर होती जाए। जहां जगह मिले वहां पे हाइड्रोजन को ऐड कर लेना है ना। दूसरा एग्जाम्पल में कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर, वो था अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं थी। यहां पे तुम लोगों को दिख रहा है एक नीचे एक ऊपर, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ट्रांस, है ना, ट्रांस। अब बताओ इसको कैसे करें हम लोग, खींच खाच के कैसे सीधा किया जाए इसको, है ना। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, यहां पे पीएच लगा ले, यहां पे सीएच थ्री लगा ले, और यहां पे सी टू एच फाइव लगा ले, और यहाँ पे CH3 लगा ले। अब पहले जैसा स्ट्रक्चर बन गया, अब करो इसको हाइड्रोजनेशन करके दिखाओ इसमें। चलो देखो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये PH इधर गया, ये वाले को खींच के लेके आए, ये C2H5 इधर आ गया, ठीक है, PH को खींच के सीधा, इसको खींच के इधर, ये उस तरफ है ना CH3, ये कहाँ है, इस तरफ CH3, जगह कहाँ खाली है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, है ना, क्लियर है। एक ये स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर सोचो और एक बन सकता है ना, और एक कौन सा बन सकता है अगर इसको रोटेट कर दे तो, ठीक है, तो क्या होगा, पीएच ऐसे आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे C2H5 आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जगह खाली है, हाइड्रोजन यहाँ पे जगह खाली है। अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है? बाबू इसको उठा के ऐसे रख दो ना, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ क्या क्या बोल सकते हैं? रेसिमिक मिक्सचर है और एनाइशियमस है, है ना, तो क्या बोलते हैं, दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर है और पेयर ऑफ एनाइशियमस, पेयर ऑफ एनाइशियमस, पेयर ऑफ एनाइशियमस है, क्लियर है। ये सारी बातें आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में ही क्लियर होगी, ये सारी बातें अभी फिलहाल के लिए हल्का फुल्का से बता रहे हैं, बट आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ के होंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो इतना, फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल दें। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे नोट करते रहो पॉइंट। एक था पहला, क्या था मेरा पहला स्ट्रक्चर, कैसा था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन वाला, है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो था वो क्या शो किया था, रेसिमिक मिक्सचर किया था ना, एल्कीन क्या शो किया था, एनेंशियमर रेसिमिक मिक्सचर किया था, तो लिख लो एनेंशियमर और रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है,
दूसरा हमने किया ट्रांसफर स्ट्रक्चर, तो मतलब कहता है कि ट्रांस स्ट्रक्चर भी एन आइसोमर और रेसिमिक मिक्सचर और शो करता है। अब तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग सिस वाला करेंगे, ठीक है, जिसमें सेम साइड में होगा, सिस मतलब सेम साइड, ठीक है, इतना नोट कर लो, उसके बाद सिस वाला भी स्ट्रक्चर बताते हैं। ओके चलो नेक्स्ट वाला करेंगे सिस वाला स्ट्रक्चर, और रूल के हिसाब से कहता है सिस में खाली एक ही सेम साइड में ही रहेगा और एक ही उसका हाइड्रोजनेशन के बाद एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, उसका दो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जैसे कि एग्जाम्पल में है सिस है, चलेगा सेम साइड में, ओके हाइड्रोजिनेशन करें, हाइड्रोजिनेशन बाय पीटी पीडी एंड निकल, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करवाने के बाद हमने क्या किया, इसको खींच के सीधा किया, इसको खींच के सीधा किया, ठीक है, तो ऊपर पीएच नीचे पीएच, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, जगह यही खाली है हाइड्रोजन, जगह यही खाली है हाइड्रोजन, बस और बस एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनता है, इसका रोटेशन नहीं होता है, नेचर है, ठीक है, इसका रोटेशन नहीं होता है, रूल फॉलो करके चलोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रूल फॉलो ना करके अगर सोचोगे कि इसको घुमा दे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चरल नेचर कहता है कि सिस वाले का दो डी और एल फॉर्म नहीं बनता, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्वेश्चन में लगाओगे, मतलब नोट में लगाओगे कि सिस का खाली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली सॉरी इनएक्टिव होता है और मीसो कंपाउंड बनाता है ना, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो क्या बनाते हैं, मीसो कंपाउंड, तो ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव और बनाएंगे मीसो कंपाउंड, राइट, नोट कर लो इतना, और लास्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, इस तीन टाइप के अलावा तुम्हारे बुक में और टाइप्स नहीं है, तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये तीन टाइप से आएंगे, क्लियर, तुम लोग बनाओगे, ठीक है, विदाउट माय हेल्प, कोई कुछ बोलेगा नहीं, अपना कॉपी में सिर्फ अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है, चलो बना के दिखाओ। सो क्या करेंगे, सी सी ऊपर पीएच पे नीचे पीएच पे इस तरफ पीएच थ्री इस तरफ CH3, तो एक एच यहाँ पे एक एच यहाँ पे, यहाँ का ये हो गया डी फॉर्म, पीएच सी CH3 एच सी CH3 एच पीएच, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव और पेयर ऑफ एनाइशमर
रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है? कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करोगे? यही तीन और तीन सिर्फ स्ट्रक्चर्स है। क्लियर? मिटा ले, आगे कराए। आगे टॉपिक आता है ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। इजी था, समझ आया? ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, इसमें क्या होता है? इसमें एक रिएक्शन है जो हमको पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, क्या रिएक्शन में दिया हुआ है? जो बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बस उतना ही पढ़ेंगे। दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? एल्कीन। ठीक है, इथीन प्लस एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, उसके हाइड्रोजन मैंने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, और उसका जब निकल के प्रेजेंस में ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन होता है तो प्रोडक्ट में निकलता है ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन हुआ है। ठीक है, नहीं दिख रहा रोशन, आगे आ जाओ। ठीक है, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन होगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये तो क्लियर है। साथ साथ में एक एरोमेटिक कंपाउंड निकलेगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? हमारा बेंजीन रिंग है ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड निकलेगा। अब ये रिएक्शन बस बुक में दे दिया है कि ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, कि अगर बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन होगा तो ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन होगा और एरोमेटिक कंपाउंड निकल जाएगा। इसके अलावा बुक में नहीं लिखा है कुछ, तो ये होगा क्यों, है ना? क्वेश्चन सबसे बड़ी आती है कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां पे ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन होने के वजह से एक एरोमेटिक कंपाउंड का उत्पत्ति, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि अगर मुझे एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड वी हैव टू डू दिस रिएक्शन। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है देख लो, ये एनसीईआरटी वाला रिएक्शन है और इसमें होगा क्या, यहां पे H, यहां पे H, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब H लगेगा। H कहां लगेगा? जहां पे जगह खाली होगा, सॉरी यहां पे था ना, ठीक है यहीं पकड़ देते हैं, चलेगा। जहां पे जगह खाली है, बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, उसकी जगह पे दो हाइड्रोजन लगा दिया, चलेगा? क्योंकि जहां पे जगह खाली होगा वहीं पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो ये एक मिनट के लिए इसके लिए रहने दो, यही से सुनो। ठीक है, तो जहां पे बॉन्ड खाली होगा वहां पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा और एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड बनने का रीजन क्या है? क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स को मतलब क्या होता है? कोई तो एक शक्ति है जिसके वजह से एल्कीन जब बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट होता है तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो दैट शक्ति इज नोन एज एटोमिसिटी। क्या बोलेंगे? एटोमिसिटी।
एसिडिटी, ठीक है। वो सेकेंड वाले रिएक्शन को भी फिलहाल के लिए रहने दो, उसको समझाते हैं। एटोमिसिटी, ठीक है, लास्ट होते होते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है तो एरोमेटिसिटी, लास्ट होते होते मेरा हालत खराब हो जाता है बोलते बोलते। एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, दैट्स व्हाई एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब देखो ये जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन हम बता रहे थे वो वाला भी देख लो, उसमें क्या है ना, ठीक है, मान लो कोई बता सकता है इस रिएक्शन में फॉर्मेशन क्या होगा? ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे एल्कीन के साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है तो एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, है ना, सिंपल सा। बट दो एल्कीन है ना, तो क्या होगा, दो एल्कीन है तो डरने का क्या, दो एल्कीन बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन बनेगा, है ना, क्या डरने का बात है, समझ में आया। एक एल्कीन तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन, दो एल्कीन तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड बनता कैसे है, ये हाइड्रोजिनेशन होगा तो यहां का मान लो एच हटा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां का एच हटा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, समझ आया। एच की वजह से डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था तो अगर हाइड्रोजन हटते जाएगा तो डबल बॉन्ड आते जाएगा, है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड यहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है, पक्का। चलो नेक्स्ट, ये था ट्रांसफर, ठीक है। तो और नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, उसमें तुमको मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में पूछा है मेजर प्रोडक्टिविटी किसका होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मतलब कि जो तुम्हारा कैटलिस्ट है दैट इज ऑनली वन मोल, तो वो ये रिएक्शन कराएगा, इसको ये मेजर प्रोडक्टिविटी होगा या ये मेजर प्रोडक्टिविटी होगा, That means selective hydrogenation. मतलब इसको productivity as a major proof करेगा या इसको करेगा। तो इसको निकालने का एक और एक मात्र तरीका यही है कि दोनों में दिख रहा है कि double bond तो है ना? तो हर एक व्यक्ति का, हर एक compound का nature यही होता है कि वो stable हो जाए, है ना? तो ये लोग भी stability खोजते हैं, ठीक है? तो स्टेबिलिटी मतलब क्या, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड तो दोनों में है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन का नाम सुना है, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन अर्चना? नहीं, डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन के पास कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन इज दिस, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो और यहां पे तीन, है ना, दिस इज अल्फा कार्बन और इसके पास हाइड्रोजन कितना है, दो और तीन। अगेन दिस इज अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन कितना है, तीन चार, इसके पास एक तीन, सॉरी ये तो नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, एक यहां पे है और यहां पे
चार है, बताओ कौन सा प्रेफरेंस रहेगा? यहाँ पे चार है और यहाँ पे तीन है, कैसे काउंट कर रहे हैं? दिस इज डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन, कार्बन में लगा हुआ हाइड्रोजन, ये कार्बन से ये हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है ना, समझ आ रहा है? तो दो हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज थ्री, यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करो, ये डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन इज दिस या फिर दिस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो ज्यादा नंबर होंगे हम उसको ही प्रेफरेंस देते हैं। चलो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ चार हाइड्रोजन, यहाँ पे तो मेरे पास एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक दो मिला के सॉरी तीन हो गया, तो यहाँ पे मुझे चार दिख रहा है, तो प्रेफरेंस हम इसको देंगे, तो मेजर प्रोडक्टिविटी विल बी सेकेंड रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? तो बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन में, ठीक है? तो लिखोगे मोर स्टेबल जो होगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे, तो मोर स्टेबल कैसे चेक किया जाता है? अल्फा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है वो हो जाएंगे स्टेबल कंपाउंड। क्लियर? बनाने को वो दोनों बना सकता था बट नंबर ऑफ मोल कम है उसके पास, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊं, तो वो बनाऊंगा जो कि स्टेबल होगा, है ना? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही करके, नेक्स्ट हम जो कराएंगे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, ठीक है? नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, आज के लिए स्टोरी यही खत्म होती है।